नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो वीडियो आप नित्य प्रति देखते हैं, वो हैं आओ चलें अमेरिकी ओर। तो अमीरी शब्द ऐसा है कि आज के युग में, कलयुग के अंदर तो पैसा ही प्रधान है, क्योंकि सर्वे गुणा कांचन वाश्रयंती, सारे ही गुण पैसे में हैं। अगर पैसा आपके पास में है तो बड़े से बड़े विद्वान को आप अपने यहाँ पर जो है काम पर रख सकते हैं, लेकिन अगर पैसा आपके पास में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो कहा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सब धनों के अंदर विद्या धन सबसे है, लेकिन पैसा अपनी जगह पर बहुत बड़ा है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पैसे से हर सुख जो है आप खरीद सकते हो। तो यहाँ अमीर बनने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कर्म यानी मेहनत, दूसरे नंबर पर भाग्य, और तीसरे नंबर पर वास्तु। ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भाग्य भी बढ़िया है और कर्म भी आप कर रहे हैं, लेकिन वास्तु अगर आपका ठीक नहीं है तो उधर से आप कमाएंगे इधर से समाप्त, उधर से कमाएंगे इधर से समाप्त, उधर से कमाएंगे इधर से समाप्त। इसलिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जीवन में आप उन्नत हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वास्तु के कितने ही सैकड़ों मैंने आपको लक्षण दिए, नियम दिए, और कितने ही नक्शों से मैंने आपको समझाया गए। तो अब आज चलते हैं कि आदमी अपने जीवन में चार सुखों को महत्व देता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा आज्ञाकारी पुत्र और पतिव्रता स्त्री। ये चार सुख जो है सबसे बड़े बताए गए हैं। तो निरोगी काया और पैसा आपके पास में है, और आपने वास्तु के अंदर एक ऐसा दोष पैदा कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, ये साउथ ईस्ट है, अग्नि कोण है, और यहां पर आपने एक पानी का टैंक बना दिया। अगर आप यहां पर कोई भी पानी का टैंक बना देते हैं, बोरिंग करवा देते हैं, कुआं बनवा देते हैं, तो ये यहां का अग्नि कोण की जगह पर आपने पानी को स्थान दे दिया, और पानी को जब स्थान दे दिया तो यहाँ पर अग्नि और पानी के जो हैं विरुद्ध धर्म हैं, एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, शत्रु तत्व हैं। अब इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर? आपकी संतानों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी संतान होंगी लेकिन मृत्यु को प्राप्त होंगी, और ऐसा जीवन में कौन चाहता है? अगर पैसा है और संतान नहीं, तो उसके जीवन में जिसके घर के अंदर बच्चों की चहचहाट नहीं है, किलकारियां नहीं हैं, वो घर तो शमशान के बराबर होता है। तो बच्चे हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पहली बात तो यह है कि कमाया हुआ पैसा उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च करना पड़ता है, और फिर शोक प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, मस्तिष्क मलिन हो जाता है, कमाई की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे, और कारण केवल एक है कि यहाँ पर आपने टैंक बना दिया या पानी का संसाधन आपने यहाँ पर बना दिया, ये सबसे जो है गलत काम आपका हो गया। तो यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, घर के अंदर कलह, बिना चाहे एक साथ पिता पुत्र, माता और भाई
या स्त्रियां सास बहू जब एक साथ में बैठेंगे, पति पत्नी उनके बीच में बातें होते होते कोई शब्द ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क और फिर बाद में जो कहें जाने कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये बातें यहां के दोष के कारण से होती हैं, और इस दोष के कारण ये अग्नि तत्व है। अग्नि जब मंद पड़ जाएगी, अग्नि जब विकृत हो जाएगी तो घर के अंदर आगजनी भी होंगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उस घर के उस भवन के अंदर निवास करने वालों के चरित्र जो है संदिग्ध हो जाएंगे और उस घर के अंदर चोरियां होंगी, डाके डल सकते हैं, आपस में टकराव, धन का अभाव, कर्जे और ये सब जो है चीजें उनकी बढ़ती चले जाएंगी। तो अगर ऐसा दोष है तो जीवन में हम धन संपन्न कैसे बन सकते हैं। तो इसी प्रकार आपकी कोई भी इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो स्कूल है, चिकित्सालय है, होटल है, फार्म हाउस है, फैक्ट्री है, मकान है, दुकान है, गोदाम है, उनके अंदर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके अपॉइंटमेंट आप लेकर के और आप मिल सकते हैं, या नक्शा भेज करके भी आप सलाह ले सकते हैं और आप अपने वहाँ का जो है साइट विजिट करवा करके और आप लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक, और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838-98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838-98421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।